नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वी एन कार्स पर। और आपको पता होगा कि इस समय जो है पूरे देश में जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की शुरुआत होने वाली है, और उसी के तहत नवी मुंबई वाशी पामबीच रोड पे जो है कुछ बेहतरीन पेंटिंग्स की गई हैं, और वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये पाम बीच रोड है, और पाम बीच रोड पे जो है ये पेंटिंग हुई है। साफ साफ लिखा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, यह स्टार्ट होता है। और आगे देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग इन्होंने की हुई है। नवी मुंबई का अपकमिंग एयरपोर्ट जो है वो उन्होंने पेंटिंग में दिखाया है, और उसके बाद इन्होंने जो है नावाशिवा पोर्ट भी दिखाया है पेंटिंग में। वाशी की पहचान कहा जाने वाला वाशी ब्रिज, वाशी रेलवे स्टेशन, वंडर पार्क, आगरीकोली संस्कृति भवन, मोरबे धरण नवी मुंबई, MIDC नवी मुंबई, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस, सिटको भवन, कोली लोगों की जो संस्कृति है वो, नारियल पूर्णिमा के दिन नारियल जो है समुद्र को अर्पित करते हुए मच्छी पकड़ते हुए। बहुत पहले नवी मुंबई भी एक गांव हुआ करता था, तो खेती का दृश्य आप लोग देख रहे हो, औरतें जो है चावल की रुपाई कर रही हैं। यहाँ रोड के बीच में गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसलिए पूरा व्यू तो अच्छे से नहीं आ रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी आए मैं आपको दिखा सकूँ। चार्ली चैपलिन, बच्चे चार्ली चैपलिन का पेंटिंग के साथ खड़े हैं। कौन से शाले थे तुम्हें? कोणत्या शाळेत आहे? मनीषा स्कूल। ही पेंटिंग केली आहे, तुम्हाला कशी वाटते ही पेंटिंग? छान वाटते, मजा येते। सबका सपना स्वच्छ शहर हो अपना।
नवी मुंबई का स्लोगन एक कदम स्वच्छता की ओर। जो सबसे बेहतरीन पेंटिंग है वो मुझे ये लगी है, आई लव नवी मुंबई। इसका एक व्यू मैं सामने से ले लेता हूँ, ये आपके लिए सेल्फी पॉइंट भी हो सकता है। एक्चुअली ये सारी पेंटिंग जो है आपके लिए सेल्फी पॉइंट है, पांडा फुटबॉल खेलते हुए। सेव अवर टाइगर, सेव अवर प्राइड। ये है लास्ट पेंटिंग, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों एक बार फिर से, और फिर मिलेंगे किसी और नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।